एम छो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं जे डबल ट्वेंटी थ्री में पूछा गया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट एक पॉइंट हमको दिया गया है पी जिसके पॉइंट है टू माइनस एंड थ्री इन द प्लेन वो किस प्लेन में है एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जीरो प्लेन में पॉइंट the क्यू क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी है सबसे पहले तो वो हम वो समझते हैं यहाँ पे एक इमेज ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है पी यानी कि यहां पे मान लेते हैं कि हमको दिया गया है पॉइंट प्लेन एक्स प्लस टू वाई माइनस सेड इज इक्वल टू जीरो इसके बीच में एक प्लेन है जिससे ये क्या होता है ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होता एंड उसकी इमेज हमको यहाँ पे क्या मिलती है क्यों मिलती है जिसके पॉइंट्स हमको नहीं पता है अल्फा बीटा एंड उसको ले लेते हैं गामा अब इमेज है तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे बीच में टच होगी जिसको हम नाम दे देते हैं एम एंड यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होगा P से इस प्लेन के साथ क्या होगा परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन हमको दिया गया एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो और हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का इस प्लेन से तो यानी कि हमको यहाँ पे सिंपली क्या फाइंड आउट करना है क्यों फाइंड आउट करना है है पे देखिए ये किस plane में है, upper plane में तो उसकी direction ratios क्या हो जाएगी डायरेक्शन रेशियोज तो हो जाएंगे वन टू एंड माइनस वन किसके ऊपर से इस इक्वेशन के ऊपर से ये डायरेक्शन रेशियोज हमने लिख लिए अब सबसे पहले तो ये लाइन है उसका इक्वेशन हमको नहीं पता है तो सबसे पहले हम ये जो हमारी पी एम लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले लाइन पीएम के लिए चलिए उसके पॉइंट्स तो पता है टू माइनस वन एंड थ्री डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गए तो सिंपल है एक्स माइनस टू अपन उसका डायरेक्शन रेशियो है एक्स का वन क्वल टू वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन उसका डायरेक्शन रेशियो है टू उसी तरह से जेड माइनस थ्री जेड का डायरेक्शन रेशियो है minus तो ये मिल गया हमको इस पीएम लाइन का इक्वेशन तो ये हमने क्यों फाइंड आउट किया क्योंकि हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो उसके ऊपर से हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला के ऊपर से अल्फा बीटा एंड गामा फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हम सपोज कर लेते हैं लेमड़ा तो हमको एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे चलिए एक्स माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमड़ा तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा लेमड़ा प्लस y plus one upon 2 टू लेन माइनस वन इज इक्वल टू क्या है लेमड़ा तो z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमड़ा प्लस थ्री अब ये जो पॉइंट मिला वो मिला m का डायरेक्शन पता है ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है तो हमको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर है तो उसका पॉइंट डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ऑलवेज जीरो होता है यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम डायरेक्शन रेशियो वन टू एंड माइनस वन से करें तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमको जीरो मिलेगा चलिए देखते हैं कैसे डायरेक्शन रेशियो एक्स का वन है मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू से वाई का टू है यानी कि प्लस टू इन टू वाई का पॉइंट टू लेमड़ा माइनस वन माइनस वन इन टूर पॉइंट माइनस लैमडा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्लस टू प्लस फोर लेमड़ा माइनस टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमड़ा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो

यहां पे मल्टीप्लाई तो वन प्लस फोर यानी कि फाइव बाय टू एक्स हो गया यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि एम जो मिड पॉइंट था वो क्या मिला आपको फाइव बाय टू जीरो एंड फाइव बाय ये पॉइंट हमको मिल गया अगर हमको ये अल्फा, बीटा, गामा पता करना है तो उसपे हम मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा सकते हैं मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू एंड जेड वन प्लस जेड टू बाय टू चलिए x1 वन z1 वन y2 टू टू तो ये पॉइंट हो जाएंगे x2 टू z टू तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट तो पता है चलिए पॉइंट क्या है बाई टू, जीरो, बाई टू वन प्लस, प्लस लेमर आल्फा टू प्लस आल्फा अल्फा टू माइनस वन प्लस बीटा बाय टू एंड थ्री प्लस गामा बाय सभी को कंपेयर कर सकते हैं तो टू प्लस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू फाइव बाय टू 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 कैंसर टू चला जाएगा सामने तो अल्फा इज इक्वल टू फाइव माइनस टू यानी कि अल्फा मिल गया थ्री उसी तरह से बीटा माइनस वन प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू जीरो हमको थ्री प्लस गामा बाय टू इज इक्वल टू फाइव बाय टू 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 कैंसल थ्री चला जाएगा सामने तो गामा इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री तरफ गामा इज इक्वल टू हो जाएगा तो आल्फा बीटा एंड गामा थ्री वन एंड टू थ्री वन एंड टू पॉइंट मिल गया हमको एंड इस इस पॉइंट के के बीच बीच प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है अब वो तो सिंपल हो गया चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं डी ए एक्स वन प्लस बीवाई वन प्लस सी चलिए इसके क्या थे एक्स वन वाई वन जेड वन ए क्या हो जाएगा थ्री बी हो जाएगा टू सी हो जाएगा वन एंड डी क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन प्लस 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 टू 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 वन वन ट्वेंटी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर वन का स्क्वायर वन ये हो जाएगा नाइन प्लस टू इलेवन प्लस टू थर्टीन थर्टीन प्लस ट्वेंटी नाइन हो जाएगा फोर्टी

क्यूं से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया थ्री रूट फोर्टी तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया तो जब भी आपको इमेज का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है फिर मिड पॉइंट की फॉर्मूला के ऊपर से आपको अल्फा बीटा एंड गामा मिल जाएगा फिर तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है